लक्ष्मी की जय। दिवाली खुशियों के साथ में हो और बहुत सारी खुशियां ऐसी कि दूसरों को भी दे और साथ में स्वाद भी हो, प्राइस भी ठीक हो, टेस्ट भी हो, शुद्धता भी हो। तो ऐसा प्रकल्प चलाते हैं महाराष्ट्र मंडल में। आप देख रहे हैं कि ये मिठाइयां जो बन रही है या नमकीन जो बन रहे हैं, ये शुद्धता के साथ में बन रहे हैं, अच्छाई के साथ में बन रहे हैं, महिलाएं बना रही हैं, रोजगार भी मिलता है और इससे जो इनकम होती है बहुत कम प्राइस में इसको देते हैं वो इनकम विकलांग बालिकाओं के साथ है। हमारे साथ में अध्यक्ष श्री अजय काले जी हमारे साथ में हैं, सचिव श्री चेतन गणपति जी हमारे साथ में हैं, गीता जी दलाल उपाध्यक्ष हैं वो साथ में हैं, मंजरी बागोड़े हमारे साथ में है और आपका नाम क्या है सर? परितोष डोंगावकर। तो परितोष भी हमारे साथ में है। क्या कुछ कहेंगे, ये बहुत ही सराहनीय प्रकल्प है ये आपका। ये प्रयास हमने पिछले 10 साल से चालू किया कि दिवाली के समय अक्सर लोगों को मिठाइयों की जरूरत तो पड़ती है, मार्केट में जाके मिठाई खरीदते हैं, तो हमने इस प्रकल्प को कहा कि एक अच्छी क्वालिटी के आइटम्स यदि हम तैयार करें और उस आइटम्स के बिक्री से जो भी हमें प्रॉफिट होगा उससे हम दिव्यांग बालिका विकास गृह का हम लोग संचालन करने लगे। दिव्यांग बच्चियों के लिए साल भर में रहना खाना पढ़ना लिखना ऑपरेशन के लिए उनके लिए स्टाफ की व्यवस्था, ये सब में खर्चा लगना ही है। तो सब लोगों को एक उपाय दे दिए भाई कि आप अपनी खरीदी से ही समाज सेवा में भी आप रुचि ले लें, खुद की खरीदी और दिव्यांग बालिकाओं की सहायता, ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। इसके लिए हमें अच्छा लोगों का सपोर्ट मिलता है, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि खुद की खरीदी के साथ में दिव्यांग बालिकाओं की सेवा करें। क्या कुछ कहेंगे चेतन भैया, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। देखिए क्या है कि दिवाली में सबके यहाँ मिठाई तो जाती है जी। अब आज के समय में सबसे महत्वता है प्योरिटी की जी। जगह जगह हम देखते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चलता है तेल कौन सा उपयोग हो रहा है, सामान कैसा उपयोग हो रहा है, नकली खोए के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो हमारे यहाँ सबसे मेन ये है कि शुद्धता का पूरा पैमाना हम लोग रखते हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको यहीं के काजू कतली का भोग लगता है भगवान तो इसलिए प्योरिटी के बारे में तो 100% श्योर हैं। लोगों को हम कन्विंस करना चाहते हैं कि आप एक बार आके देखिए, जितने लोगों ने अब तक इस हमारे इस प्रकल्प से, क्योंकि इसमें सेवा और परमार्थ दोनों हैं, इसमें आप अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो दिव्यांग बालिकाओं के सहायतार्थ होती है, तो आपकी एक सेवा दिव्यांग बालिकाओं के लिए हो रही है। दूसरा, आपके घर में जो मिठाई पहुंच रही है वो माता लक्ष्मी को प्योर मिल रही है जी। और तीसरा, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ में महाराष्ट्र में जो इतने सारे जनसेवा के कार्य करता है उसमें ये पैसा उपयोग में आता है, जो इसका प्रॉफिट होता है जो उपयोग में आता है। अब इसमें आते हैं कि अगर हम यहाँ की वस्तुओं को जो क्वालिटी हम दे रहे हैं तो जितने लोग हमारे साथ हर साल लेते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो एक बार यहाँ से वस्तु लेता है वो बाहर कहीं नहीं लेता फिर। बहुत अच्छी बात है, क्या आप कहेंगे इस बारे में? जी जी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सचिव जी ने बताया, बिल्कुल हमारे यहाँ महाराष्ट्र मंडल में पिछले 10-15 साल से ये हमारा प्रकल्प चालू है और शुद्धता का ध्यान रखता है। और हमारा मेन उद्देश्य जो यही है कि हमको समाज सेवा करनी है और लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इनडायरेक्ट रूप से समाज सेवा में भागीदार बन सकते हैं। आपके आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, चूंकि मैं इस संस्था में, हमारी शाला स्कूल चलती है संत ज्ञानेश्वर विद्यालय, उसका मैं प्रभारी हूँ, तो वहाँ जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो कभी कभी फीस नहीं दे पाते, तो इनडायरेक्टली वो भी सपोर्ट हमारा इस प्रकार से हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कह गीता जी, तीन चीजें बता रही थी हम। तीन चीजें ऐसी है कि प्योरिटी, कीमत और एक समाज सेवा, ये तीन चीज एक साथ हो जाएगी यदि आप महाराष्ट्र मंडल की इस फराड़ को यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे। शुद्धता के साथ साथ आपका समाज सेवा भी उन बच्चों के लिए होगा जो दिव्यांग है। क्या क्या बनाते हैं, मंजर जी से पूछते हैं एक बार फिर से। नमस्कार, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्रियन आइटम जैसे रहते हैं, चकली जो भाजने की बनती है, चूड़ा प्योर महाराष्ट्रियन टेस्ट का चूड़ा मिलेगा आपको, शंकर पाई खारे मीठे दोनों, अनरसा करंजी जिसको यहाँ पे गुजिया भी बोलते हैं, और फिर आपका सलोनी शंकरपाड़ा सेव, ये सारे आइटम मिलेंगे सर आपको महाराष्ट्रियन। इसके अलावा मैं बालूशाही मठरी, ये फिर काजू कतली, ये पूरे आइटम, और बेसन के लड्डू, और ये बेसन के लड्डू, और अनरसा भी आपका शुद्ध घी का ही है। बहुत अच्छी बात है, सेवा के साथ में शुद्धता ये एक बड़ी चीज़ है और अच्छे मन से काम करते हैं जो महाराष्ट्र मंडल का नाम, मैं पहले भी कहा कि बेहतर प्रबंधन के साथ में
समाज सेवा अगर सीखना है तो महाराष्ट्र मंडल से अजय काले जी की टीम लगातार इसीलिए अध्यक्ष बन रही है कि इन्होंने जो प्रकल्प शुरू किए उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और उन्होंने उस मैनेजमेंट के साथ में अच्छा रिजल्ट दिया, ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। जुड़िए साथ में और इसका आनंद लीजिए। महाराष्ट्र मंडल चौबे कॉलोनी आइए, यहाँ पे आप सामान का ऑर्डर दे सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं और आप यहाँ पे दे देंगे तो बता रहे थे कि 1000 से ज़्यादा किलो के ऑर्डर्स इनके पास में, अभी 700 ऑर्डर्स इनके पास में अभी तक आ चुके हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जवाहर माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करें।